जय हिंद, साधु राम राम, सभी को प्यार भरा होली का ढेर सारी मुबारकें हों। दोस्तों, अभी मेरा ये ब्लॉग है, खेत पर मैं बना रहा हूँ और मैं जौंटा जो होता है भाई, जो गेहूँ में ना जौंटा होता है, तो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये जो बाली है ना, ये जौंटा है। तो भाई होली के त्यौहार में इस बाली को, भाई जो होलिका दहन होता है नहीं, उसमें हम लोग इसको भून के उसी में चढ़ावा के स्थान पे चबाते हैं। होलिका मैया आप जोटा खाओ, होलिका मैया बहुत सा दो, सब लोग यही कामना करते हैं। बट दोस्तों, अच्छी बात है, होलिका में बुराई और सच्चाई का प्रतीक दिखाया गया है, क्योंकि जो होलिका दहन होता है तो प्रहलाद के लिए उन्होंने जो होलिका है अपने भतीजे के लिए क्या किया कि मैं इसे जला दूंगी, वो चादर प्रहलाद पे ही ढक गई, खुद अपने आप भस्म हो गई भाई होलिका। इसलिए ये त्योहार ऐसा बना दिया है कि हर कोई इसे याद रखे। तो भाई यही है, हम यहाँ खेत पर आए थे और जितनी नॉलेज थी मैंने आपको शेयर की थी। और भाई ब्लॉग कैसा लग रहा है, अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ ब्लॉगिंग की, और आने वाले टाइम में मैं चलता फिरता ब्लॉग ट्रैवल टूर से करता रहूँगा। और भाई ये मेरी नई गड्डी है और मैं इसी इस पे फ़ोन रख के चला रहा हूँ। देखो भाई, न्यू है मॉडल बिल्कुल स्प्लेंडर का। तो भाई मल्टीमीटर वाली है, मस्त है। तो मैं खेत पर आया हूँ क्योंकि यार मुझे शर्म तो यार बहुत लगती है, गाँव में ना मैं नहीं बना पाता हूँ भाई। तो मैं अपना एक्सपीरियंस ना अकेले में लेता हूँ और अकेले से शुरुआत करके फिर बनाते रहेंगे। यार अपनी वैल्यूकेशन इसलिए कम है ना, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत कम है। मैं सब्सक्राइबर गेन जिस दिन कर जाऊंगा ना, ज़्यादा नहीं, आप 100K सब्सक्राइब करवा दो भाई, हाथ जोड़ के निपटती हैं आपसे भाई, मेरी शर्म छुट जाएगी, क्योंकि लोग देखेंगे तो कहेंगे बंदे के पास थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट है इसलिए सब्सक्राइबर है। तो भाई यही मैं शुरुआत करता हूँ आपको। हाँ, इंटरटेनमेंट तो मैं पक्का बता कराता रहूँगा, इंटरटेनमेंट भाइयों। आप लोग इंटरटेनमेंट में ज़्यादा दिमाग रखते हो ना, वो भी करता हूँ, क्योंकि मैंने आर्मी की तैयारी की थी अपने दिल से, शौक से। बट जो COVID-19 का टाइम चला था उस समय, कोरोना का, तो भाई इसमें मैं एक ही भर्ती देख पाया, तो उसमें कभी पोस्टपोन कर देते, कभी कुछ कर देते, तो भाई हम हो गए ओवर एज। तो विनती करते हैं, हम ओवर एज वाले बंदे अब नहीं देख पा रहे हैं, कोई काम कर रही। हाँ, मैंने डबल हाई स्कूल किया, हाई स्कूल मैंने दोबारा 2022 में पेपर दिए हैं आर्मी भर्ती होने के लिए। तो अब वेरीफाई करते हैं, वो पकड़ते हैं वहाँ पर, मार लगाते हैं भाइयों। तो हमने हिम्मत छोड़ दी है आर्मी की तरफ से, अब जो भी है SSC की तैयारी कर रहे हैं भाई। उसमें भी यार गांव में रहते तो हैं, घर का खर्चा है, फिर बाहर से अपने जाओ कमाओ, तो यार स्टडी का टाइम नहीं मिल पा रहा है फुल। इसके लिए कम से कम यार 12-13 घंटा का कंटिन्यू स्टडी चाहिए, तभी SSC का पेपर क्लियर हो पाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर OBC जनरल कास्ट वालों के लिए। तो यार इसके लिए यार अब काम भी करना पड़ेगा घर चलाने के लिए। प्योर बंदा अगर नौकरी के ऊपर रहेगा ना, तो उसकी घर मड़ी बिक जाएगी। अब वो नहीं हुआ सक्सेस तो डिप्रेशन में जाके वो खुद सुसाइड कर लेगा, अगर वो दिल से अपना करता होगा तब। अगर वो साथ ही साथ काम करता होगा तब वो एक मन उसका कहेगा चलो नौकरी में नहीं लगे तो अपना काम तो शुरू हो गया है, तो इसी से हमारा पेट गुजारा हो जाएगा जो भी है। तो भाई वही मैं कंपनी में करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हिमाचल से मैं आज ही आया हूँ अपने घर, रहने वाला मैं बरेली का हूँ, मेरा गांव है छोटा सा, बरेली शहर, बरेली जिला में लगता है। तो बस यही मेरा खेत है यहाँ पर। तो मैं आज आया था, मेरा मन नहीं मान रहा था, मैं बौके गया था गेहूँ, तो यहाँ अब आया हूँ 2 महीने बाद, तो मेरे गेहूँ बाली आ गई है। तो भाई कैसा लग रहा है ब्लॉग, ब्लॉग सही लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए भाई दोस्तों। तो जय हिंद।